पापा मत उतारो उसके, पोस्टमार्टम कर लेंगे। एनो नहीं, गंदी बात। इधर देखो, इधर फेस दिखाओ मम्मा को। एनो एनो हाँ बंद करो चेंज। गंदी बात देखो, छाप आपने उसके कपड़े सब फाड़ा। ले लो इधर देख लो बाबू, एक बार पीछे देखो, इस्माइल कर दो पीछे देख के। एनी इस्माइल करो, एनी इन्नु इन्नु देख सुन। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ही बोलेंगे। अभी बज रहा है 11:30 और 11:30 पे हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी आप लोग जो देख रहे थे ना, वो एक्चुअली हो रही है पैकिंग। कहाँ जाने के लिए इतने रात में पैकिंग हम करने लग गए हैं, और अभी सारे काम से फ्री हुए हैं। सारे काम से क्या, मैं 7 बजे की लगी हुई हूँ। खाना पूरा बनाया, खाने में बनाई थी, एक सब्जी बनाई थी, रायता बनाया था, राइस रोटी ये सब बना के सबको खिला के फ्री हुए। फिर मैंने बनाई भरमा भिंडी पूड़ियाँ, तो अभी सेक के आई हूँ। सारे बर्तन बहुत सारे हो गए थे, सारे क्लीन करके बैठो। नहीं सारे और सारे बर्तन क्लीन करके बस आए, जल्दी जल्दी किया, थोड़ा थोड़ा किया, किचन क्लीन करी। तो बहुत ज़्यादा काम सारे, मतलब अब इतना सुबह उठ के नहीं, हम अटेंडम सुबह निकलना है 3 से 4 बजे के टाइम पे। तो एनी को सुलाते सुलाते तो वैसे भी 1 बज जाता है ना, तो 3-4 बजे पे निकलना है। तो फिर अभी सब पैकिंग हो रही है, और कहाँ के लिए पैकिंग हो। बेटू खो मत देना, वैसे भी 2 खो गए हैं, अगर वो 2 मिल गया तो ये 2 खो देगी। तो वही सब चारों तरफ सामान। आज पूरा दिन हो गया, मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी, पूरे दिन काम करते करते निकल गया। तो शाम को भी मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करी है, यार इतने काम में औच पौच में समय नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी कि हम आप लोगों से कंटिन्यू बात कर पाएं। तो अभी हम फ्री हुए हैं, और ये मैडम अभी सो नहीं रही हैं, इनके कपड़े अभी चेंज कर दिए हैं। मौसम थोड़ा वैसा हो रहा था, सर्द बच्चों के लिए सर्दी है, तो सर्द टाइप का है, तो इसलिए मैंने इसको नहलाया नहीं, सिर्फ हाथ पैर धुल के इसके कपड़े अभी चेंज करने, डायपर पहनाना। लो फेंक दिया, नहीं मान रही हो, सुनाई नहीं देता है क्या आपको? कैमरे के सामने कितनी सीधी हम जाती है, ऐ नहीं देख रहे हो, कैमरे के सामने कितनी सीधी बनेगी, कह रही है ऐ नहीं है। अरे हाँ हाय राम, तो मैं नहीं इतनी सीधी भी हो क्या? मैं कंगन भी कम पहनाती हूँ कैमरे के सामने। अरे ये तो गंदी बात। भाई सो रहा है ना बाहर, तो भाई आप लोग सोच रहे हो कौन है, मेरा भतीजा आया है, और हट, यानी कि मेरे भाभी का बेटा, जिठानी जी का, सब लोग जानते हैं विनीता भाभी को, कई बार मैंने आप लोगों को मिलाया है। ये धोनी का बेटा आया है शोभित, तो वो भी साथ में ही जा रहा है। क्या है मम्मा को चूड़ियाँ पहनाओगी? तो ऐसे मेरे 2 गोल्ड वाले ऐसे हैं, 2 पता नहीं कहाँ चले गए हैं, खो गए, नहीं मिल रहे। मेरे 3 जोड़ी बैंगल्स हैं जो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और 3 जोड़ी मेरे बैंगल्स हैं, 2 जोड़ी मेरी इयररिंग्स हैं जो नहीं मुझे अभी तक मिल रहे हैं। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मेरी रोज़ चीज़ें खो रही हैं। एक मेरा ब्रश अभी खो गया है, एक मेरा स्पीकर था जो बहुत बढ़िया था ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पिंक कलर का, वो भी नहीं मिल रहा है। पूरा घर छान मारा, पता नहीं आजकल मेरी चीज़ें कहाँ गायब हो रही हैं, बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। एनी तो ये हो गई हमारी जनाब जी की पैकिंग, ये देखो 7 बजे अभी जागरण करेंगे, मतलब ये सो जाएंगे, मुझे तो नींद नहीं आएगी क्योंकि एनी को सुलाएंगे और अलार्म लगा देंगे जल्दी का। अगर सो गए ना तो फिर सोए तो, पहले प्लान था कि सब्जी बना के रख देंगे, भरमा चीज़ ऐसी होती सफ़र में ले जाओ तो ख़राब नहीं होती है, अपनी गाड़ी से ही जाना है तो इतना कोई इशू नहीं है।
लेकिन सोचा सुबह मॉर्निंग उठ के पूरी बना देंगे। बोले नहीं अभी काम खत्म करो भाई, जंतली आँख तुम्हारी लग गई और फिर इतना परेशान होगी, तो अभी बना के रख दिया। 2-3 घंटे की बात है, 2-3 घंटे के बाद तो ले ही जाना, सुबह पैक वैक कर देंगे। लेकिन फिर भी पैकिंग करेगी, सब सामान रखना पड़ेगा और भी चीज़ें, तो बहुत हो जाता है। तो अभी तो नहीं हम आप लोग को बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, जब ये लौट के वापस आ जाएंगे हम तो बताएंगे कहाँ गए थे, और अगर आगे ब्लॉग में बता पाए तो बताएंगे, है ना। अभी अभी तो मैंने कहा ब्लॉग चालू कर देते हैं, और रात के 11:30 बज चुके हैं। ये मैडम सोने का अभी दूध भी लेके आए थे, दूध अभी पीना। सारे कपड़े ना किनारे रख देना वरना आपके प्रेस करे कराए खराब हो जाएंगे सब। पूरा कमरा कैसे फिर से हौच पौच हो गई, इतना बढ़िया मैंने साफ किया था पूरे रूम एकदम से बढ़िया। ये वाली आज मैंने बेडशीट बिछाई थी बढ़िया तरीके से, फिर से हौच पौच हो गई है, हौच पौच हो गई है। एंड ये क्या है, ये पापा का मम्मा पकने, ये क्या है, कौन है, ईयर ईयर और एनी का भी ईयर है। हाँ पावर बैंक लेनी थी, रस्ते में पावर बैंक की गई, चार्जिंग पर लगा दो, मास्क रख लेना दो। क्या हुआ इन्नु, रेडी हो जाओ बेटा, चलो तो अभी हम इनको सुलाते हैं, सुलाए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में आप लोगों से। तो मैं अभी उठी हूँ और ये मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ब्लॉग अधूरा मैंने बनाया था उसको पूरा कर देती हूँ, तो अभी मैं भी उठ गई हूँ। मैं नहीं सोई थी, मुश्किल से 1 घंटे ही सोई हूँ। बाहर देखो कितना अंधेरा है, अभी बजे हैं 3, तो 3 बजे करेक्ट अलार्म लगा के रखा था, तो अलार्म बज चुके थे। मेरे हस्बैंड नहा धो रहे हैं, सारी पैकिंग हो चुकी थी और जो सामान बचा था वो भी रख लिया है। तो देखो मैंने रात में ऑयलिंग करी थी, तो बस मैं भी हाथ मुँह धुल के आ गई थी नीचे किचन में, तो रात में ही सारे काम कर दिए थे, तो सुबह अच्छा फ्रेश फील होता है, किचन साफ होती है। तो और मैं बगैर नहा धोए तो वैसे भी नहीं आती, लेकिन आज ज़रूरी था तो सुबह मैं इनके लिए चाय बनाने आई हूँ। डब्बे कंटेनर वगैरह निकाल रही हूँ, खाना पैक करने के लिए ये मैंने निकाले हुए हैं। यहाँ पे हमारे हस्बैंड ले रहे हैं एक साबुन, मतलब डिटॉल साबुन रख लेते हैं हाथ हाथ धुलने के लिए रस्ते में। सैनिटाइजर होता है लेकिन हर टाइम बोलते हैं ना सैनिटाइजर जब यूज करो, सॉरी एक्चुअली एक कीड़ा आ गया था उसके लिए, तो कहते हैं ना सैनिटाइजर जब यूज़ करो जब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऑप्शन नहीं दिखते हैं कि हाँ साबुन से हाथ नहीं धुल पा रहे तो सैनिटाइज कर लो, लेकिन जब है सोप है तो फिर उससे ही वॉश करो। तो इसलिए एक साबुन रख दिया। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और मैंने रात में ही पैकेट मंगा के रख लिए थे, पैकेट वाले दूध की चाय ज़्यादा अच्छी बनती है। और आजकल जो हमारे यहाँ से दूध दूधिया से लिया जाता था तो वो बदल दिया है, तो बगल में एक लोगों के यहाँ गाय है तो वहीं से दूध आ रहा है। और यहाँ पे मैंने भरवा भिंडी बनाई हुई थी, तो मैंने हल्की सी इनको मतलब ताज़ा टाइप में कर दिया है, तो भरमा वैसे भी ख़राब नहीं होती, आराम से 1-2 दिन चल जाती हैं। तो भरमा भिंडी मैंने यहाँ पे बना दी है, और एक तरफ मैं अचार रख दूँगी, सारी पूड़ियाँ रख दूँगी, और वहाँ मेरे हस्बैंड सुबह ही सुबह नहा दोगे अपना, वो भी रेडी हो गए हैं तो चाय बनेगी। मैंने बोला भी और कुछ खा लो, तो बोले नहीं और कुछ नहीं खाना है, सुबह 3 बजे यार कौन खाता है, तो सिर्फ चाय ही पीऊँगा, तुम बस खाना रख दो। तो हम लोग पहुंचते ही वहाँ पे आराम से खा लेंगे खाना। और यहाँ पे मैं ये पूड़ियाँ उठा के ला रही हूँ, मैंने पूड़ियाँ भी सेक के रख दी थी, तो एक कंटेनर में इसको भी मुझे रखना है। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी इतनी सब्ज़ी ठीक है कि और रखूँ, तो बोल रहे थे अरे इतना बहुत है परेशान मत हो। और पता है मेरे हस्बैंड में ये आदत बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को इरिटेट नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेके, जो जितना तुमसे आराम से हो जाए उतना कर लो, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी चीज़ के लिए। रात में भी बहुत चिल्ला रहे थे मेरे पर कि क्या ज़रूरत थी तुमको भरमा भिंडी बनाने की, सिंपल सी सब्ज़ी बना देती। तो मैंने कहा सिंपल ख़राब होने का डर रहता है, ऐसे भरमा ख़राब नहीं होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी देखो पैक हो गई हैं, तो मैंने पैक करके रख दी, वो भी मैं इनको दिखा इतनी ठीक है कि और रखूँ, बोले नहीं है। चार भी देखो लग के रेडी हो गया, तो चाय मैं फटाफट सबको दे देती हूँ जाके।
यहाँ पे जबकि रोशनी रहती है, अंधेरा अंधेरा से पता नहीं क्या लग रहा यहाँ पे। नीम का अंधेरा नहीं है, हम तो आगे खुल चुकी हैं। आपका लेकिन ये तो है कि जैसे कह दो ना कितने सितने टाइम जगना, ऑफिस भी जाना होता है, फटाक से जग के रेडी हो जाते, वैसे नहीं जगेंगे। अगर सोचो कि करेंगे यार इतने टाइम जग जाना, काम है तो ना जगेंगे, जाने के नाम से कितनी जल्दी तैयार हो यार हो के एकदम से, है ना। नहीं सुबह उठेगी कहेगी पापा बाबा कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। यहाँ पे जो खाना वगैरह बना था तो वो लास्ट में रख रहे हैं खाना भी। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे मुझसे काफ़ी लोग ये साथ में कौन है, ये मेरा भतीजा है, पहले ही मैंने बताया था आप लोग को, फिर से बता रही हूँ कि मेरा भतीजा है वो भी साथ में जा रहा है। तो इसका भी सामान पैक हो गया, मतलब वो तो अपना पैक करके लाया था तो वो भी अपना बैग गाड़ी में रखने जा रहा है। बस अब अभी ये लोग निकल जाएंगे, इन लोगों को भेज देती हूँ, फिर आके आप लोगों से मैं बात करती हूँ। और बस एक लोगों का और वेट हो रहा है आने का, पापा भी हैं साथ में, पापा भी रेडी हो चुके हैं, चले गए हैं। मैं नहीं गई, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जा रही थी, तो मैं नहीं जा रही हूँ। और एक लोगों का वेट हो रहा था, इन लोग को निकलना था 4 बजे और अभी हो गया करेक्ट टाइम 4:45, तो अभी निकले हैं जस्ट, और किसी काम से ही गए हुए हैं, बहुत ही अर्जेंट काम है उसी वजह से जाना पड़ गया। बहुत दिन से प्लानिंग थी लेकिन तो पोस्टपोन हो रखा था बार बार, लेकिन फाइनली आज गए, बस आराम से पहुंच जाए अच्छे से। तो इन लोगों ने 2-3 घंटे की नींद ले ली, मैंने तो ली नहीं, मुझे भी अब भूख लगाई है। एनी भी सो रही है, नहीं चौकी उठेगी उसको कोई नहीं दिखेगा, वो उठती है ना तुरंत उसको पापा चाहिए होते हैं, पापा उसकी इतनी गंदी आदत हो रही थी, उन्हीं के हाथ से नहाना धोना सब कर रही थी, बाबा के हाथ से खाना और पापा के हाथ से नाना धोना ये सब। तो अभी सो रही है तो हम भी इसके साथ लेटे जा रहे हैं, कोई काम तो है नहीं, चाय नाश्ता सब हो गया था, इन लोग का दे दिया था, तो किसी काम से निकले हैं। मुझसे बहुत बोल रहे थे चलो तुम भी चलो तुम भी, तो मैंने खुद कैंसिल कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसे कोरोना टाइम पे तो मैं घर पे ही रहूँगी, कहीं घूमने बाहर सिटी नहीं जाऊँगी, यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। तो देखो कब आते हैं, इनका कोई प्लान नहीं है, हमने कहा कब आओगे, कहते कोई प्लान नहीं है, जाने को अभी जा रहे हैं, कल भी आ सकते हैं परसों भी, मतलब उनका कुछ भी नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। तो फाइनली मैंने कहा था मैं मॉर्निंग में मिलूंगी आप लोगों से, तो अब मैं सोऊंगी, मेरी बिटिया रानी देखो सो रही है कैसे, तो चलो और हम भी अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मॉर्निंग में, है ना। तो बाय बाय, बताना ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, ओके तो टेक केयर, बाय बाय। और गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, गुड मॉर्निंग हो गई है, सो बाय बाय।